नमस्कार, लोक एंट्री के एन न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की कुछ ताजातरीन खबरों की ओर। इंदौर शहर के बिगड़ते यातायात को लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौरे मिश्र ने डीसीपी सहित पुलिस के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें इंदौर के सांसद शंकर लालवानी भी शामिल हुए। इंदौर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौरे मिश्र और सांसद शंकर लालवानी ने मंगलवार दोपहर पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक आयोजित की है। बैठक में यातायात को लेकर यातायात पुलिस के साथ थाने के बल को भी यातायात में सहयोग करने के लिए निर्देशित किया गया है। दरअसल आने वाले दिनों में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली कुछ दिनों में आने वाला है, जिसको पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में माना जा रहा है, जहां त्यौहार पर यातायात संबंधी चुनौती बढ़ जाती है। इसी के साथ इंदौर में स्मार्ट सिटी के तहत जो कार्य किए जा रहे हैं उनको लेकर भी यातायात में दिक्कत का सामना आम जनता को करना पड़ रहा है। इन सभी मुद्दों को लेकर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चौरी मिश्र, सांसद शंकर लालवानी के साथ सभी जोन के डीसीपी मौजूद रहे। वहीं सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इंदौर शहर की जनता ने कई बार इंदौर के बिगड़े हुए यातायात को लेकर शिकायत की थी, जिसमें एमजी रोड से लेकर राजवाड़ा पर त्योहारों के समय में यातायात व्यवस्था बहुत खराब रहती है और आने वाले दिनों में सराफा, बर्तन बाजार, शीतला माता मंदिर, मिरोठिया बाजार में और ज़्यादा भीड़ पड़ने वाली है। किस प्रकार इस बिगड़ती हुई यातायात व्यवस्था सुधार सके और लोगों को असुविधा का सामना न करना पड़े, इन सभी मुद्दों को लेकर पुलिस कमिश्नर के साथ बैठक कर यातायात को लेकर एक्शन प्लान तैयार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट के एनएन न्यूज। उसमें मुख्य तौर पर शहर में यातायात और कुछ विभिन्न मुद्दों को लेकर के सभी अधिकारियों की बैठक हुई। माननीय सांसद महोदय भी इस बैठक में थे और मुख्य यातायात से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। हम जानते हैं कि आने वाले समय यातायात एक बड़ी चुनौती है और ख़ासतौर पर दिवाली के आस पास अगर हम 8-10 दिनों के हिसाब से अगर बात करें तो दिवाली के अवसर पर यातायात संबंधी चुनौतियां बढ़ जाती हैं, क्योंकि कई बार जो निर्माण कार्य सड़कों संबंधित चल रहे हैं, मेट्रो से जुड़ी जो नई योजनाएं चल रही हैं और सामान्य तौर पर लोगों के द्वारा निजी वाहनों का उपयोग इस दौरान पर्व त्यौहारों में बढ़ जाता है, उसको लेकर के पुलिस ने जो कुछ व्यवस्थाएँ की हैं उन मुद्दों पर और कितना विस्तार किया जाए, सभी जो हमारे DCPs थे उनके साथ चर्चा हुई। खास तौर पर यातायात के बल के अलावा मुख्य थानों के जो बल हैं उन्हें निर्देशित किया गया कि थानों के बल भी इस यातायात प्रबंधन में ध्यान दें। मुख्य तौर पर यातायात के नियंत्रण प्रबंधन पर फोकस करने की ज़रूरत है और ख़ास तौर से उन संवेदनशील क्षेत्रों में जहां पर भीड़ की संख्या ज़्यादा है, खासतौर पर राजवाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र में, उस पर यातायात के मुद्दे को लेकर के खासतौर पर चर्चा है। व्यवस्थित यातायात को लेकर आज जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनके साथ आपने बैठक की है, किस तरह की बैठक थी, क्या कुछ इम्प्लीमेंट हुए, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, पिछले कुछ दिनों में देखने में आ रहा है, वैसे तो हर वर्ष वार त्यौहार दिवाली पर जो हमारा शहर का कोर एरिया है, पुराना शहर जिसको कहते हैं, और अब तो MG रोड भी हम देखें शहर पुराने शहर में ही आ गया, तो लगातार ट्रैफिक को लेकर जनता की शिकायत आ रही थी। मैं खुद स्वयं जब देखता था तो ये लगता था कि बहुत समय लग रहा है, आम लोगों को परेशानी हो रही, उसको लेकर आज यातायात पुलिस और पुलिस प्रशासन के साथ जो विषय थे वो रखे हैं और हमने उनसे कहा है कि जो हमारा जो पुराना शहर है, राजवाड़ा हो, बर्तन बाज़ार हो, सराफा हो, सीता माता बाज़ार हो, मारुठिया बाज़ार हो, इसमें आने वाले दिनों में और लोग भीड़ बढ़ने वाली है, तो किस प्रकार हम यातायात में कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों को कम से कम असुविधा हो, उसको लेके हमने बातचीत की है। मुझे लगता है प्रयास रहेंगे कि हम आज से ही प्रयास करें, इसमें यातायात पुलिस और जो थाने का पुलिस बल है वो और सुरक्षा बल के सभी लोग आज से ही फील्ड में रहेंगे और इसके अलावा जो MG रोड है, जवाहर मार्ग पर, उसमें हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक लगातार जो है स्लो चल रहा है क्योंकि जाम की स्थिति कारण, इनको भी मॉनिटर किस प्रकार किया जा सकता है उसको लेके बातचीत हुई डिटेल में। मुझे लगता है कि हम प्रयास करेंगे कि यातायात सुगम हो। मैं आपके माध्यम से जनता से भी निवेदन करूंगा कि हम प्रयास करें कि यातायात में हम मदद करें लोग, ताकि लोग अपना जो आने वाला त्यौहार है वो बहुत अच्छी तरह मना पाए। और हमने ये भी कहा है कि जो चालानी प्रक्रिया है शहरी के मध्य क्षेत्र में, चूँकि बार त्यौहार है इसमें नहीं होना चाहिए, ये हमने अनुरोध जनता की तरफ से किया है। अभी फिलहाल अगर बात करें तो ताई ने जो मेट्रो का सिटी के बीच में जो प्लान है उसको लेकर उन्होंने कुछ नाराज़गी जाहिर की है और उन्होंने कुछ सवालात भी किए हैं मेट्रो के जो प्रोजेक्ट के अधिकारी हैं, उसको किस तरीके से देखते हैं, क्या आगे की योजना? देखो, हम सबकी ये मंशा है कि अच्छे से अच्छा किस प्रकार से मेट्रो बने और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा किस प्रकार मिले,
और कम से कम लोगों का नुकसान हो, इन सब बातों को लेकर पिछली बार चर्चा हुई थी, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठे थे। आदरणीय ताई जी ने जो सुझाव दिए उस पर भी मेट्रो और सभी जनप्रतिनिधि बैठ कर चर्चा करेंगे, जो शहर हित में होगा वो बिल्कुल होना चाहिए। ऐसी खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।